हे दालोवीज, हाउ आर यू ऑल। स्पिरिचुअल अवेकनिंग सब करना चाहते हैं। इस चीज़ को हर एक इंसान एक्सपीरियंस करना चाहता है। हर इंसान अपने ईगो, अपनी नेगेटिविटी को रिमूव करके अपनी लाइफ की रियलिटी देखना चाहता है। और आज मैं आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगी कि अगर आप एक बिगनर हैं तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो, ऑटोमेटिकली आप इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने लग जाओगे। डेली लाइफ में जो सारी चीज़ें होती हैं, ये सब तो मोह माया है, फॉर श्योर। ये क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, उसने मेरे साथ गलत करा, मैं इससे प्यार करता हूँ, उसने मुझे धोखा दिया, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मेरे पास ये पैसा नहीं है। नहीं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और इससे बहुत डिफरेंट है, जहाँ पे आपको अपनी लाइफ का एक अल्टीमेट गोल मिलता है, जहाँ पे ब्रह्मांड आपके सामने खुद ब खुद ऐसी चीज़ें रखते हैं जिस चीज़ को अगर आप रियलाइज़ करेंगे तो आप अपने आप से बेइंतहा मोहब्बत करोगे, अपने वर्थ को पहचानने लग जाओगे, आपके अंदर का ईगो, आपके अंदर की गिल्ट, आपके अंदर का गुस्सा सब कुछ रिलीज होने लग जाएगा। एंड इन शॉर्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए सबसे जल्दी काम करने लग जाएगा। इसलिए आज मैं आपके साथ 5 मेजर स्टेप्स शेयर करने वाली हूँ जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आप एक बिगनर हैं तो आपको इन सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए और धीरे धीरे आप हर चीज़ को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने लग जाएंगे। तो मॉर्निंग हैबिट से शुरू करते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं आपको मॉर्निंग से नाइट का एक रूटीन बताऊँ जिसको आप फॉलो करें और आप अपने आप एक्सपीरियंस देखें। जब भी आप मॉर्निंग में उठते हो, जब आप सबसे पहले उठते हो, आपका सबसे पहला काम होना चाहिए दैट इज़ योर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, जो कि आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी करते हैं। ग्रैटिट्यूड करना उन चीज़ों का जो ऑलरेडी है आपकी लाइफ में और उन चीज़ों का वेलकम करना जो आप फ्यूचर में चाहते हो। एग्जाम्पल, आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट मेरे पास आज ये नया दिन है। आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट मैं बहुत हैप्पी एंड पॉजिटिव हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट मैं बहुत अच्छा अर्न करती हूँ। मेरे अंदर एक सेल्फ लव है। क्यों किसी जॉब, क्यों किसी लव के बारे में बात करें? स्पिरिचुअल अवेकनिंग है तो अपने बारे में बात करते हैं ना, अपने आप को सेल्फ लव देते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस तो अपन को ही करना है। इसलिए बस नॉर्मल अफर्मेशंस बोलो। और एक सबसे अच्छी अफर्मेशन बताऊँ, सबसे बेस्ट अफर्मेशन जो मॉर्निंग टाइम पे बोलनी चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ दैट पूरा ब्रह्मांड मेरे फेवर में काम कर रहा है। मैं बहुत खुश हूँ दैट पूरा ब्रह्मांड मेरे फेवर में काम कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये कैसी अफर्मेशन है जहाँ पे आप अपनी लाइफ के हर एक पर्सपेक्टिव पे काम करते हो। जो भी आपको नीड है, जो भी आपकी वांट है, जो भी आपके अंदर की खुशी है, आपका डिज़ायर है, आपके अंदर प्रॉब्लम हो रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ये कैसी अफर्मेशन है कि यूनिवर्स आप ही के सामने आपकी फेवरेबल चीज़ें करने लग जाता है। तो नंबर वन, दैट इज़ प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड एवरी डे फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स। तो सुबह उठते से ही सबसे पहला काम होगा हमारा, दैट इज़ ग्रैटिट्यूड करना। जैसे ही हम उठेंगे उसके बाद हमें कम से कम 5 से 10 मिनट तक मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं हम ब्रह्मांड की सुनते हैं, क्योंकि पूरे दिन तो हम अपने दिल की सुनते हैं, हमें ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन जब भी हम मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते हैं यूनिवर्स हमसे कम्युनिकेट करता है, ब्रह्मांड हमसे बात करने की कोशिश करता है, हमारे माइंड में बहुत न्यू आइडियाज़ को भेजता है, हमारे माइंड में वो सारे थॉट्स को भेजता है जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेडिटेशन से आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और अगर इंट्यूशन बढ़ने लग जाता है तो समझ जाओ जैसा चाहते हो आपको ऑटोमेटिकली यूनिवर्सल साइंस मिलने जाएंगे, आपके दिल अपने आप आपको सारी यू नो बातें बोलता जाएगा। तो मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेडिटेशन करने का तरीका कैसा होना चाहिए? अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला, या तो लेटे लेटे ही करो, नॉर्मल यूट्यूब पे बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशंस आपको मिल जाएंगे, मंत्रास आपको मिल जाएंगे, आप उनको सुन सकते हो एंड चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो। विजुअलाइजेशन ख़राब है, और अगर मेडिटेशन फिर भी करना चाहते हो तो आप यूट्यूब में बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशंस अवेलेबल होते हैं, आप वो कर सकते हो। कुछ भी नहीं समझ में आता क्या करें तो नॉर्मल ओम 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 की चैंटिंग कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे लाइव वीडियोस चलते हैं मॉर्निंग में मेडिटेशंस के, आप उनके थ्रू भी सुन सकते हो। तो आप इसको लेट कर भी कर सकते हो, और इसको बैठ कर करते हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। आप अपनी बालकनी में, अपने गार्डन में, अपने रूम में ही अच्छी मैट बिछा दीजिए, उस पर आराम से अच्छे से बैक स्ट्रेट करके बैठ जाइए और उस मेडिटेशन को सुनते सुनते नॉर्मली ध्यान करना शुरू कर दें फॉर एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स। नंबर वन प्रैक्टिस थी हमारी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। नंबर टू प्रैक्टिस होगी, हम जैसे उठे हमने ग्रैटिट्यूड करा, फिर हमने मेडिटेशन करा, उसके बाद आप अपना नहा लीजिए, अपना काम कर लीजिए, तैयार व्यार हो जाइए, फिर आप लोग करते हैं पूजा, दैट इज स्पिरिचुअल पूजा करते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करते हैं। उस टाइम पर ज़रूर कोई एक मंत्रा की चांटिंग करा करिए। वो कोई भी मंत्रा हो सकता है, लॉर्ड शिवा का हो सकता है, ग्रीन तारा मंत्रा हो सकता है, रेड तारा मंत्रा हो सकता है, लॉर्ड कृष्णा का मंत्रा हो सकता है, एनी, बट आपको कोई एक मंत्रा रोज़ 108 बार ज़रूर।
और अगर मॉर्निंग में चांट करते हो, दैट इज जो आपका स्पिरिचुअल टाइम होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, इस टाइम पे अगर मंत्रों की चांटिंग करते हो, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारा डिवाइन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाता है। ये मंत्रास हमें हमारी लाइफ में हर फेज में हेल्प करने लग जाते हैं और अपने चमत्कार, अपने मिराकल दिखाने लग जाते हैं। तो जब हम सुबह उठेंगे, सबसे पहले हम ग्रैटिट्यूड करेंगे, फिर हम थोड़ी देर मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे, फिर खुद को टाइम देंगे, रेडी वेडी हो जाएंगे, यू नो ब्रेकफास्ट कर लेंगे एंड देन फिर पूजा करेंगे। वैसे पूजा पहले करना चाहिए देन ब्रेकफास्ट करना चाहिए, एंड पूजा करते टाइम हम नॉर्मली मंत्र की चैंटिंग करेंगे। तो ये तीन प्रैक्टिस मैंने आपको सिखा दी। अब सुबह का आपका पूरा काम हो गया, अब आप चले जाओ अपने ऑफिस या आप अपना करो अपना वर्किंग, जो भी आपका काम है, लेकिन वहां पे आपको एक चीज याद रखनी है, दैट इज आपको पूरे समय सेल्फ लव करना है। सेल्फ लव करने का मतलब होता है अपने दिल की सुनना है, आपका जो दिल मैसेज भेजता है उसको सुनना है, नेगेटिव नहीं होना, किसी चीज का गिल्ट आपको नहीं रखना है। और सबसे अच्छा सेल्फ लव मंत्र बताऊं जो मुझे बहुत पसंद है, दैट इज जितना हो सकता है उतना बिजी रहो, जितना हो सकता है उतना बिजी रहोगे तो कुछ अनवांटेड थॉट्स भी नहीं आएंगे, ओवर थिंकिंग भी नहीं होगी, ज़्यादा हम सोचेंगे भी नहीं चीज़ों को लेके, क्योंकि जहाँ हम फ्री होते हैं ना अपनी लाइफ में, वहीं हमारी लाइफ में ओवर थिंकिंग अपना वेलकम दे देती है और फिर हम चीज़ों को इतना ज़्यादा सोचते हैं कि हमारे अंदर कंट्रोल नहीं रहता। इसलिए कुछ भी काम करो, कुछ भी, बच्चों के साथ खेलो मैं तो कह रही हूँ, या कुछ अच्छे यू नो हेल्पिंग वाले काम करो, चैरिटी वाला वर्क करो, बट मेक योर सेल्फ बिजी, ये आपका सबसे बड़ा मंत्र होना चाहिए जब आप सेल्फ लव करते हो। उसके बाद आप पूरे दिन अपना काम करो, नॉर्मल अपना रहो, जो आपका काम है आप करो। अब सबसे लास्ट चीज जो आपको करना है, रात को सोने से पहले स्क्रिप्टिंग करके सोया करो तो बहुत अच्छा होता है। ये आपको चॉइस दे रही हूं, करना चाहो तो जरूर करो, बट इसके एक्सपीरियंस बहुत मिराकुलस होते हैं। अगर स्क्रिप्टिंग आपको नहीं करना है तो आपको रोज रात को सोने से पहले हो अपोनोपोनो प्रेयर को 5 से 10 मिनट चांट करना है। पूरे दिन की करी हुई गलतियों की माफी मांगनी है, हर चीज को लेट गो करना है, पूरे दिन के ना किसी के ग्रजेस रखना है, किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, किसी से कुछ लड़ाई हो गई, अगर ये सारी चीजें कर रहे हो ना तो बिल्कुल पीछे हट जाओ, क्योंकि कौन क्या कर रहा है, कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, इस समय मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं ब्रह्मांड के लिए अपने लिए काम कर रहा हूँ तो वो मेरी ध्यान रखेगा, मैं कौन होता हूँ जो उससे लड़ूँ या उससे बातें करूँ। तो इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना। इफ़ दे आर फाइटिंग, दे आर सेइंग नेगेटिव थिंग्स टू यू, लेट देम स्पीक, लेट देम स्पीक। और मैं आपको बहुत जल्दी एक ऐसी टेक्निक बताने वाली हूँ हाउ टू यू नो टेक दिस नेगेटिव पीपल इनटू आवर लाइफ, कैसे इन लोग को डील करना चाहिए, कैसे इनको यू नो इनके साथ रहना चाहिए, उसका वीडियो भी बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। लेकिन आज मैंने आपको ये 5 स्टेप्स बताइए हो अपोनोपोनो प्रेयर का, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और रिलेटिव जितने वीडियोस हैं इस वीडियो से रिलेटेड मैं सारे वीडियोस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। 5 हैबिट्स सिखाई हैं आज मैंने आप लोगों को, एक बार रिपीट कर देती हूँ। जब भी मॉर्निंग में उठोगे सबसे पहले ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, फिर मेडिटेशन करना है, फिर अपना बिजी रहना है, नहाना धोना है, काम करना है, थर्ड आपको चैंटिंग ऑफ मंत्रास की प्रैक्टिस करना है, फोर्थ आपको पूरे दिन सेल्फ लव करना है, खुद पे फोकस करना है, आप क्या सोच रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, हर चीज़ का ध्यान आपको खुद को होना चाहिए, और रोज़ रात को सोने से पहले लेट गो करके सोना है। लेट गो करने के लिए रोज़ ब्लॉकेज प्रेयर करा करिए, जिससे हीलिंग होती है अंदर ही अंदर, लोगों के ग्रजेस, गलत बोला हुआ, गलत करा हुआ अपने आप निकलता जाता है। 5 स्टेप्स टू यू नो वेलकम योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इसको जरूर ट्राई करना एंड मुझे जरूर बताना अपने एक्सपीरियंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, राधे राधे।